बीजेपी नेता और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले के अनुसार एंटी करप्शन ब्यूरो ने बावरी सहित राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच शुरू कर दी है। रघुवर दास के मंत्रिमंडल में बावरी खेल एवं युवा मामलों के मंत्री थे। आरोप है कि मंत्री रहते हुए उनकी संपत्ति में करीब 10 गुना इजाफा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बावरी को हाल में झारखंड में पार्टी विधायक दल का नया नेता चुना है। इसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दी गई है। वह विधानसभा के आगामी सत्र की कार्यवाही में पहली बार नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भाग लेंगे, लेकिन इसके पहले आय से अधिक संपत्ति में उनके खिलाफ ACB जांच शुरू हो जाने से सत्ता पक्ष की ओर से उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाया जा सकता है। वहीं इस जांच पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर वो रघुवर दास मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों को जेल भेज देंगे, क्योंकि उनके समय काफी भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन 4 वर्ष बीत गए और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अब ACB जो है वो सिर्फ पी दाज करके और एक नोटिस जारी कर रही है। और हमारा मानना है ये इसलिए किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और खुद उनकी पूरी सरकार 70,000 करोड़ के विभिन्न घपले घोटाले में फंसी हुई है और वो जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। और मुख्यमंत्री के सारे करीबी सहयोगी, वो राजनीतिक हों या ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, वो तमाम लोग जेल में हैं या ED और CBI और इनकम टैक्स की इंक्वायरी को फेस कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें किसी निष्पक्ष इंक्वायरी से कोई कभी परहेज नहीं है, इतराज नहीं है, लेकिन इस सरकार में कोई इंक्वायरी निष्पक्ष हो यह तो संभव ही नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।